ओ एक योगी अलख जगावेरी माई बिकशा शादी का।
तो माँ सरस्वती माई ब्राह्मणी जो होती है क्या? वो अपने बढ़िया से महल से निकल के आती है और बढ़िया ही वस्त्र धारण करे होते हैं और बढ़िया से धाल जमा के वो भर के लाती है, जो उसके असमर्थ होता है कि वो कपड़ा लत्ता और खान पीन का श्रृंगार मंगमान जो उसमें बल पड़ता है वो लाती है। और जैसे ही चार पांच डग रखते हैं और गुरु जी की धोरे आ जाती है और ये कहती है लो गुरु जी आपके लिए दान, तो गुरु जी उसे पकड़ने वाले ही होते हैं कि दो कदम पीछे हट जाते हैं। तो वो क्यों कि दान देने वाला चाहे लाख का दे चाहे एक का दे चाहे करोड़ का दे, और वो देते वक्त अगर उसकी आंख में एक भी आंसू दिख जा तो दान लेने वाले का मन नहीं किया करता है। तो उससे कहते हैं बेटा क्या बात हो गई ऐसी जो दान देते टाइम तुम इस तरीके से आंखें भरी है झमझमा रही है मेरा मन नहीं कर रहा। तो वो गुरु जी के चरणों में पड़ जाती है और क्या कहती है
बात याद थी, क्योंकि गुरु हर किसी को नहीं मिला करते हैं। ये भी कोई नसीब की बात होती है कि गुरु का आमना सामना हो जाए। तो उसे अपने बड़े बूढ़ों की बात याद थी कि जो योगी ना धोया करते हैं, या तो उनका अभिशाप भी ऐसा होता है कि कभी उतरता नहीं, और आशीर्वाद भी ऐसा होता है कि फलता फूलता है। तो वो बात ध्यान उसने कर ली थी कि आज मेरे घर जो आए है वो भगवान समान है और मेरे लिए भगवान है। तो क्या कहती है वो, दीन दयाल दया के दाता, दयाल दया के दाता, दीन दयाल दया के दाता, ये दीन दयाल दया के दाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता, ओ बन जा मेरा भाग्य विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता, बन जा धन्यवाद करती हुई है। वो क्या कहती है बेटी, ओ सता फले नाथा की वाणी, हाँ सता फले नाथा की वाणी, ये सदा फले